हलवा इधर है अपने कैंप्स। अरे भाई ये क्या बना दिया, लस्सी पूछ के भाई से तुम्हारा क्या बना दिया? अभी फेक भाई की क्या है? बाड़ी है, बाड़ी कॉम्पिटिशन है गाइस। घाम हो गया थोड़ा और भालू का इंतजार हो रहा है। इसको भाई ले जाने का तरीका यही होता है, बहुत पूरा इसमें ऐसे झाड़ी थी बंद कर, ये नीचे से ऐसे पूरा बंद। बता रहे हैं कि भाई यहाँ से बहुत सारी हड्डियाँ निकली हैं, बहुत सारी, जिनको मतलब बाघ ने ना मार के यहीं बाघ यहाँ से हमें देख के डर गया और सीधा गांव भाग गया। घर से कॉल आ गया, बाघ घूम रहा है गांव में। एक दिन तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, इधर घूम रहा था बाघ। अच्छा, कितना शोर मचा है, हमने नहीं भागा। तो भाई गुड मॉर्निंग, अगला दिन अगली सुबह, और भाई रात को काफ़ी मज़ा आया, आपने देख ही लिया हुआ व्लॉग में। भाई अभी धूप एकदम बढ़िया वाली जो है लग चुकी है, आप देख सकते हैं जो किरणें हैं धूप की वो आ रही हैं। फिलहाल भाई 8 बज चुके हैं सुबह के, प्लान था कि भाई 5 बजे के आसपास उठेंगे, सनराइज़ देखेंगे आगे से, लेकिन यार नींद नहीं खुली और सोए पड़े रहे, मतलब है ना बढ़िया, मतलब इस घने जंगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एकदम बढ़िया नींद आई। और इधर है अपने कैंप्स, भाई सुबह के नाश्ते की हो चुकी है तैयारी शुरू। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसी रही रात? एकदम मस्त, बढ़िया नींद, एकदम मस्त। जिसको पोहा खाना आ जाना फटाफट। हाँ नाश्ते में बन रहा है भाई, ये रहा अपना पोहा, ये रहा भाई देखो ये बिगाड़ का पोहा, डुबा दिया, डुबा दिया। इधर प्याज वगैरह टमाटर मिर्च सब कुछ कटिंग चालू है। इधर भाई पीछे हमारे कैंप से परम भाई है, इधर दूसरे कैंप में, और बाकी शैलेश भाई और मनंजय भाई वो सुबह सुबह भाई निकल गए नीचे। रात को इतना कुछ मतलब दिखा नहीं होगा वो खास, देखो अभी चेक करो लोकेशन थी ना, एकदम शानदार, देखो एकदम बढ़िया। फिलहाल यार आगे थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे मंदिर है ना, मंदिर के पास में ही नल है, तो वहाँ पर थोड़ा ब्रश वगैरह करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और फिर आते हैं वापस। तो ये रही भाई वो जगह, पानी का स्रोत, ये देखो यहाँ से मतलब जंगली जानवर जो है यहाँ से यहाँ आते भाई पानी वगैरह पीने के लिए, देखो एकदम बढ़िया। तो लो भाई ब्रश वगैरह कर लिया है, मुँह हाथ एकदम बढ़िया से धो लिया है, अभी हो चुके हैं फ्रेश बिल्कुल, बिल्कुल नीचे पे ही वो था नल, अरे पीछे टैंक है भाई यहाँ पे देखो। बाकी फ़िलहाल भाई इस जगह पे आए ना, यहाँ से पूरी वैली का व्यू आ रहा है, चलो दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये भाई पूरी वैली, यही कहीं से मतलब सनराइज इधर ही कहीं से होना था, तो वही हमने देख रहा था भाई यहाँ पर आके, लेकिन भाई उठ ही नहीं भाई, लेट उठे जिस कारण भाई मिस कर दिया हमने सनराइज, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई वापस आ गए हम अपने कैंप्स में, और इधर भाई जानकारी लेते हैं भाई क्या अभी ये पोहे का बन रहा है मटेरियल, उधर क्या ड्राई फ्रूट मूंगफली वगैरह भून दिए, बाकी प्याज भून रहे हैं अभी हम। लो भाई इधर परमजी भाई भी उठ गए, हाँ भाई सुनाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, बस भाई मजा आ गया रात को सोने में, और नींद बढ़िया ही ना, नींद बढ़िया प्यारी आई, आग भी सुबह जलती रही है ना, आग से भी हम लोगों को काफी फायदा, मौका मिल गया बचाव का जंगल के बीच में, दिन के 8 बज रही हैं, धूप लग चुकी है, लेकिन यहाँ सुबह सुबह सनराइज देखना था भाई, लेट हो गया लेकिन नींद नींद नहीं खुली। अभी नाश्ते की करते हैं तैयारी भाई, बनने ही वाला है, शेफ हमने बिठाई रखे हैं चूल्हे पे, बनने ही वाला है, प्याज बन रहा है, वो देखो मटेरियल बन रहा है, अभी बनने ही वाला है, बन तो जाएगा ना, बन तो जाएगा ही, पता लग रहा सारे आ गए यहाँ पे। अरे भाई ये क्या बना दिया, लस्सी पूछ के भाई से तुम्हारा क्या बना दिया? अभी फेक भाई की क्या है? बाड़ी है, बाड़ी कौन सी डिश है? अरे ये बाड़ी है, पानी डिश है, ये देखिए अब इसमें हम लस्सी का जुगाड़ कर रहे हैं मार्केट से, बहुत सुंदर हो रही है यार, टेस्ट करके देखिए, ये है बोड़ा, क्या बोलते हैं बाड़ी पोहा, बाड़ी पोहा, बाड़ी पोहा है, पोहा से बाड़ी बनाने की टेक्निक है ना, ये पोहा है हमारा, ये मार्केट वाला नहीं है। हाउ टू मेक बाड़ी फ्रॉम पोहा, मेरे को हलवा लग रहा है, हलवा ही है ये, उपमा है भाई, हमने गलती कर दी, तुम सब गलत बता रहे हो, ये उपमा है, ड्राई फ्रूट तो डाल रखे उसमें, ये उपमा ही है, इसमें नमक मसाले की जगह चीनी पड़ जाती तो शायद मजा आता नहीं, हलवा ही बन जाता, पर नहीं, पर ये एक्चुअली सही बताऊं मैं, ये
उपमा ही है, उपमा बना रखा है, उपमा ही बना रहे थे हम, वही बना ऐसे कुछ नहीं तो बना रहे थे, कुछ और निकली, वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है हमारा, उसको नहीं छेड़ना, एक्सपेरिमेंट हमारा सही निकल गया, एक्सपेरिमेंट करने तो आ रखे, यही चाहते थे हम, और घर में नहीं खा सकते थे, यहाँ चाय बंद भी तो खा सकते थे, ये तो वही वाली बात है, एक तो गलती गलती पर छोड़े भी हो रहे ऐसे ही भाई बढ़िया लग रहा है, गर्म करो उसको बस एक बार, बढ़िया गाइस गाम हो गया थोड़ा, अरे बहुत तेज चल रहा है, अच्छा ये नॉर्मल पे आ गया, इंडोर लिखा हुआ तो गाइस इंडोर आ गया है, और भालू भालू का इंतजार हो रहा है, हाँ कहाँ है राजेश खन्ना, मेरी वीडियो तक तुम तक जा रही है, लो भाई पहुंच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, करीबन 15-20 मिनट लगेंगे नीचे आते टाइम, बाकी यार धूप लग चुकी है एकदम कड़क, और इधर भाई लोग आ रहे हैं, पर हम जो भाई पहले ही आ चुका था मतलब स्कूटी लेके, हाँ जी तो भाई अभी आ चुके थे हम नीचे, और अभी सभी भाई लोग कर रहे हैं रेस्ट, और ये आपको कल दिखा दिया था मैंने, ये किचन एरिया है, और इधर भी कैंप्स लगे हुए देख सकते हैं आप, और इसके नीचे भी हैं जहाँ हमने मतलब पहले कर रखी है कैंपिंग, है ना स्टार्टिंग में, तो अभी आधा पौना घंटा में यहाँ पे हो गया है, रेस्ट वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह था वो चार्ज लगा लिया, तो अभी क्या है फिर आगे का सीन, अरे साग सब्जी लेंगे घर में खाएंगे पहले बाकी इधर भाई लोग हैं परमजय भाई और मनंजय भाई, तो भाई ज़रा बता दो कि अगर ये जो एडवेंचर हमने किया कल, और अगर कोई करना चाहता है इच्छुक वीडियो देख के तो डिटेल्स बता दो कैसे कर पाएगा, तो ये जो आपको पौड़ी जिले में आना है जिसमें लोकेशन आपने उसमें मेंशन कर दी होगी कलचीखाल ब्लॉक में घंडियाल गांव करके है, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, हाँ डिस्क्रिप्शन में पूरी लोकेशन दे दीजिएगा, और मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिल जाएगा स्क्रीन में भी दिख रहा है, आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जब भी आप आए हमें एक दो दिन पहले बता दीजिए, और क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस तो भाई ब्लॉक में देख ही रहे हैं जिस भी तरह से जो दिख रहा है भाई वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, उसके अलावा अगर जो हमने नहीं किया वो कैंपिंग है, और किसी को अगर ऐसे ही अलग जगह पे जाके करनी है तो हमारे पास साइट्स हैं बहुत सारी, साइट बहुत है भाई, आपको दिखा देंगे जहाँ मतलब आपको सही लगेगा कि हाँ भाई ये परफेक्ट लोकेशन, अगर उसमें बेसिक्स है जो नीड है खाना पीना है और जो बस वो है, बाकी जिसको प्रॉपर ऐसा चाहिए कि लैट्रिन बाथरूम हर चीज चाहिए फैसिलिटीज चाहिए तो उसके लिए, तो उसके लिए जो ये अभी दिखाया मैंने आपको ना यहाँ पर है कैंप्स, बाकी अगर प्योर रॉ जैसे हमने की है वैसे अगर करनी है तो भाई वो भी करवा देंगे आराम से, पीछे तो भरे हुए हैं और ट्रैक बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब जो ये वाला ट्रैक था ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैक हैं, बाकी भाई लोगों से कांटेक्ट वगैरह करना वो सब बता देंगे आपको डिटेल्स में, है ना, फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं और निकलते हैं, लो भाई लगे आता हूँ गाड़ी भी धो लेते हैं भाई, पूरी ऐसे धूल मिट्टी से भरी पड़ी है ना, ये देखो भाई लोगों को वहाँ पे कर दिया था भाई गुड बाय, और मुलाकात होगी बहुत जल्द, बाकी फिलहाल अभी निकल चुके हैं हमें घड़ियाल से, और अभी कास्केट मार्केट है वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा बहुत सामान लेना है, चलो भाई आ गए वापसी, अभी चलते हैं ऊपर भाई, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के भाई अभी बज रहे हैं 10:30, और भाई फिलहाल आसपास का आप माहौल देख लो, और भाई कल आ चुके थे हम कैंपिंग करके वापस यहाँ गांव में, और फिलहाल आज का देखते हैं क्या सीन है, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे ब्लॉग में,
हाँ जी गाइस गाइस कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं पानी के गधेरे। पानी के गधेरे क्या करने? पानी भरने। पानी भरने है ना। लो भाई इधर शेरू भी जा रहा है हमारे साथ। ओ शेरू कालू है। कालू कालू, अच्छा कालू नाम है इसका। लो भाई ऐसे है भाई एक गांव के रास्ते और इधर लगे हैं क्या अखरोट ये देखो। बाकी भाई इधर उठा लिया हमने गागर जो कि होती है तांबे की होती है ना तांबे की गागर भाई। इसमें पानी रहता है एकदम चिल्ड ठंडा, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई। तो ये सामने यहाँ पे है भाई गधेरा पानी का और इधर ही कहीं धारा है भाई, पहले भी दिखा रखा मैंने आपको। तो भाई लोग तो मतलब काफ़ी दिख रहे हैं वहाँ पे पहले से, देखो कब तक बारी आती है भाई भरने की। लो भाई गर्मी से इतने बुरे हाल हैं कि पहाड़ों में भी जो नेचुरल स्रोत है ना पानी का वो भी सूख रहे हैं। ये देखो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ तो भाई इतना मोटा पानी था, आपने क्लिप भी देखी हो भाई, इतना मोटा पानी आ रहा था यहाँ से। और अभी ये पूरा बिल्कुल सूख रखा है, इसका बगल वाला दूसरा स्रोत है तो इसमें से थोड़ा बहुत आ रहा है पानी, तो लोग यहीं से भर के लेके जाते हैं। लेकिन जितना भी आ रहा है भाई एक नंबर क्वालिटी है और ठंडा इतना कि भाई तुम फ्रिज में लगा दो बोतल कम से कम 4-5 घंटे के लिए, तब इतना ठंडा पानी होता है। ये इतना बड़ा पहाड़ है भाई, पहाड़ों के अंदर से रिस के पानी आ रहा है तो भाई बिल्कुल प्योर है। चलो भाई पानी वगैरह भर लिया है और ये जो गागर है ना इसको भाई ले जाने का तरीका यही होता है पहाड़ों में, और कोई तरीका नहीं है इसका। अगर कोई लेडी है तो वो सिर में रख के लेके जाती हैं, और अगर भाई हम जैसे लौंडे हैं तो ऐसे कंधे में रख के ले जाते हैं। बाकी तो सही है यार, मज़ा आ रहा है, यही है पहाड़ी लाइफस्टाइल है ना। अरे बछड़ी अरे बछड़ी अरे प्यारी प्यारी बछड़ी, गुड चलो बाय बाय। तो अभी शाम के बज चुके हैं भाई 6, ये देख लो। और अभी ज़रा हमारी तैयारी हो रही है, पास का ही एक गांव है गिड़ी तो वहाँ जाने की, कुछ काम है बेसिकली भाई का। तो अभी बाइक से जा रहे हैं वैसे तो, बाइक हमने भाई थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टार्ट की है, इसके बाद बस फटाफट निकलते हैं। और सनसेट भाई होने वाला धीरे धीरे करके, हो ही चुका है ऑलमोस्ट। ये देखो इस वाले पहाड़ में मतलब धूप ऑलमोस्ट जा चुकी है और इधर ही कहीं जाना है हमें, ये पहाड़ ऊपर चढ़ के फिर ये जो ऊपर वाली रोड है ना इस रोड से सीधे सीधे आगे गांव है घीड़ी। लो भाई ये पहुंच गए हम घीड़ी गांव में, ये देखो यहाँ भाई बाइक खड़ी कर दिया, यहाँ से रास्ता है अंदर गाँव में जाने का। और बाकी यहाँ से आस पास का अगर व्यू देखोगे भाई ऐसा कुछ है, देखो अभी जो काम है वो निपटाते हैं उसके बाद चलेंगे वापसी। चल 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 भाई, ये है भाई गांव की गलियां घीड़ी गांव की, देख लो बढ़िया एकदम। तो भाई अभी घीड़ी गांव से तो वापस आ गए थे, काम वगैरह जो था वो हो चुका था, अभी फ़िलहाल यहां पे रुके। भाई की जो साइट है वो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो भाई इधर था ये भाई का स्टोर और अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं जो खेत वगैरह ना वो सब देखने के लिए। तो ये कांटे लग रहे हैं तो खतरनाक, बहुत पूरा इसमें ऐसे झाड़ी थी वो बंद करेगी ये नीचे से ऐसे पूरा बंद यहाँ से और अच्छा। इसके मंडी तरफ से बहुत हड्डियाँ फेंकी हमने। अच्छा ये वाली एरिया ओके, ये और ये ऊपर वाला। तो भाई सुन रहे हो ये जो जगह आपको दिख रही है ना ये देखो ये पूरी मतलब ऐसे में और ऐसे में, और यहाँ से पूरा अंदर ऐसे रहने के लिए गुफा टाइप की थी। और हालांकि अभी आपको खुली दिख रही होगी लेकिन भाई जब ये काम यहाँ पे शुरू हुआ ना उससे पहले यहाँ पर इस पूरी मतलब झाड़ियाँ हुआ करती थी, तो ये पूरी जगह से कवर थी यहाँ तक, तो ये अंदर पूरी गुफा टाइप की बनी हुई थी। तो भाई बता रहे हैं कि भाई यहाँ से बहुत सारी हड्डियाँ निकली हैं, बहुत सारी मतलब ये जानवरों की ना गाय बकरियों की,
जिनको मतलब बाघ ने ना मार के यहीं पे अपना खा पी के मस्त रहा करता था बाघ, यही जगह थी भाई वो। बाकी एक दो जगहें और भी हैं आसपास ही, बाकी अभी अंधेरा बहुत हो गया तो रात को दिखाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, ये देख लो भाई, ये अखरोट का पेड़ ये है, करंसी कराई थी। अच्छा लिखा भी है इसमें, हाँ ये CITH, ओके 37 नंबर का पेड़ है ये, CITH वैरायटी, जनवरी 2023 में लगा है। ये भी वही CITH वैरायटी का है, पत्थर दिख रहा है उधर उधर, वहाँ तक पूरा अदरक WD वैरायटी है। अच्छा ये भी जनवरी में लगा है, ये 45 नंबर का वैरायटी पेड़ है। बाकी भाई अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया तो इतना अच्छा मतलब दिखेगा भी नहीं, और थोड़ा रिस्की भी है एरिया, टाइम से अपना घर पहुँचते ना। बाकी यहीं से बता दो नीचे, ये इस वाले नीचे वाले खेत में काली हल्दी है इसमें, ओके नीचे दो खेतों में, और उसके नीचे तो फिर पेड़ ही पेड़ लगे हुए, नींबू के हैं, अखरोट के हैं। बाकी भाई ये थी, कॉल आ रहे भाई घर से, बाकी ये थी भाई साइट भाई की। बाकी मैंने आपको बोला कि भाई जगह थोड़ा रिस्की है क्योंकि बाघ की घट्टी हुआ करती थी, तो अभी भी आसपास ही, वैसे आसपास ही रहता है भाई, भाई को सुबह ही दिखा है, सुबह ही है ना। एक मिनट जरा, सुबह का सीन तो बताओ। सुबह का वहाँ पे यार वो साइड में तो ऊपर गूनी होता है ना, हाँ लंगूर, लंगूर वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, और नीचे बाघ था उसका इंतजार कर रहा था कि तू आ बैठे नीचे। अच्छा तब करते हैं तेरी कार्रवाई, चलो गूनी मजे ले रहा था ऊपर से, तो फिर चला गया थोड़ी देर में बाघ, पता लगा उसको कि मेरे बस की नहीं है। कुत्ते का तो छोड़ो, गांव में क्या सीन है ना, पूंछ भी दिखेगी तो ऐसे पागल हो जाते हैं बाघ के पीछे। अरे अरे ठीक है, हाँ चलो। तो ये क्या था, बाघ यहाँ से हमें देख के डर गया और सीधा गांव भाग गया। लो भाई कंप्लेंट करने की, आपके लड़के यहाँ घूम रहे हमारी जगह पे, इनको फटाफट बुलाओ, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं लड़के। सच में भाई मजाक नहीं है, घर से कॉल आ गया सामने गांव से कि भाई वापस आ जाओ जल्दी, बाघ घूम रहा है गांव में, और जाना हमें भाई इसी रास्ते से वहीं से गांव। एक दिन तो हम यहाँ काम कर रहे थे, इधर घूम रहा था बाघ। अच्छा कितना शोर मचा है, हमने नहीं भागा वो, पर लेबर काम कर रही थी नीचे, हमने कहा घूमता रहा फिर तब क्या करना था, ऐसे ही हो गया भाई सीन। चलो भाई बहुत हो गया अब सही में ही आएगा तब मानोगे तुम, और देख के मानोगे क्या अब। चलो चलते हैं भाई घर सीधा। लो भाई पहुंच गए सही सलामत घर। गांव में भाई यही बातचीत चल रही है कि बाघ आया बाघ आया। हाँ लाइट जल रही थी तुम थे उधर, वो अभी भी जल रही है उधर, नहीं वो तो अभी गाड़ी आ रही है, उससे तो उधर ऊपर जल रही है, तुम थे उधर, उससे पहले हम थे यहाँ। अच्छा बाघ यार, यही तो है उसको, हमने यही भेज दिया, हमने डेरिंग का भी हम यहाँ डेरिंग डेरिंग इतने ध्यान रखा करो बाबू। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या करें अब क्या बताएं इनको, माउंटेन ड्यू पी रखी थी हमने यार, क्या यही तो नहीं पता लोगों को।